वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज हम बात करने वाले हैं जो कमर्शियल्स होते हैं फूड आइटम्स के, जिसमें कुछ नुकसानदेह चीजें भी होती हैं और बच्चों का इस पे क्या इम्पैक्ट आता है। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया महमूद ने ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो जवेरिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जवेरिया, अभी जो हम देखते हैं कमर्शियल्स वगैरह टीवी स्क्रीन पर अपनी, और बच्चे देखते हैं वो तो इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जो बच्चों को देने वाली नहीं होती। जी, बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो जो भी चीज़ हम एडवर्टाइज करते हैं, इधर की वो प्रिंट मीडिया हो, कमर्शियल मीडिया हो, या जिस भी मीडियम के थ्रू हो, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन ब्रेन और बच्चों की ब्रेन हेल्थ पे इन्फ्लुएंस डालता है। मीन टू से दैट कोई भी बच्चा अगर किसी भी किस्म की हेल्दी या अनहेल्दी चीज़ देख रहा है तो वो जब भी किसी मार्केट, फूड मार्केट में जाएगा तो वो उसको पॉइंट आउट करेगा कि ही वॉन्ट्स दिस। आइदर कि उसको नहीं पता कि इट्स रिच इन सोडियम, पोटेशियम, और उसके अलावा इट्स रिच इन मैनी अनवांटेड फैट्स, और मतलब वो तमाम चीज़ें उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुजर सेहत होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चे हैं या बड़े भी हैं, आप अपनी सोच से, फूड सिलेक्शन आपकी अपनी होती है या आपके अंदर से होती है कि आइदर इट्स गुड और बैड, आपकी मतलब आप हेल्दी सिलेक्ट करके कर रहे हैं कि नहीं, आपकी सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं, और इवन आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जवेरिया, बच्चों की गजाई जरूरियात को पूरी करने के लिए एक प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, बड़े अपने हिसाब से खाते हैं, बच्चों के लिए एक अलग होता है सिनेरियो। क्या बच्चों की प्रॉपर जो कह लें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उनको किस तरह की डाइट से मिल सकती है? जी, आप डिफरेंट एज ग्रुप्स पे डिपेंड करता है कि कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है। ऑन द अदर साइड, क्योंकि आजकल जहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट है, और बच्चे उसी तरह से आईटी सेक्टर में भी जिस तरह एक्टिव है उसी तरह फिजिकली भी एक्टिव है, पर मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा गैजेट्स के इस्तेमाल से फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत दूर रह गई है। पर उसके साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे एक्टिव रहें और स्कूल में भी अच्छी तरह, स्कूल कॉलेजेस में भी अच्छी तरह परफॉर्म करें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हेल्दी तरीके से सर्वाइव करें, तो उसके लिए नंबर वन एक चीज़ ज़रूरी है कि बेसिक जो नीड्स होती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, गुड अमाउंट्स में गुड मिनरल्स, ये काउंट ज़रूर लें। और आप इसको ज़रूरी है कि आप इसका फूड सोर्स, मतलब मौसमी फल आ जाते हैं इसमें, मौसमी सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, उनकी तरफ जाएँ। बहुत ज़्यादा जो हाईली बेक्ड चीज़ें हैं या हाईली स्पाइसी फूड्स हैं या डीप फ्राइड हैं, उसके बाद वो चीज़ें जिनकी शेल्फ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, उनका टाइम टेम्परेचर एक मुकर्रा मिकदार से आउट हो चुका है, और उसके बाद भी आप बच्चों को कंज्यूम करवा रहे हैं, आइदर के ईटिंग आउट का जो कंसेप्ट है उसमें मिन्स मीट की तरफ यानी कीमे वाली चीज़ों की तरफ बिल्कुल मत जाएं। हमेशा हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल करें और चुनाव करें, क्योंकि अक्सर औकात मदर्स अक्सर कहती हैं कि मिन्स मीट बच्चे को दे दी जाए, इजीली च्यूएबल है, इजीली डाइजेस्टेबल है, उसमें हमें पता नहीं है कि किस चीज़ का हो सकता है, क्योंकि फूड फैक्ट्स इस तरह के होते हैं कि चाहे वो दूध है, दही है, फिर मीट आइटम है यानी गोश्त है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका हमें कम से कम हमारी दिल की और अपनी तसल्ली के लिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी खा रहे हैं। हेल्दी खा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे समटाइम्स जो उनकी कह लें उनका जो डाइट का पैटर्न होता है वो भी प्रॉपर नहीं होता, डाइट पैटर्न को भी डिफाइन करना या उसके मुताबिक बच्चों को प्रॉपरली एक पूरे दिन का स्केड्यूल बना के देना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, इसमें नंबर वन डे के स्टार्ट से, ब्रेकफास्ट से बात स्टार्ट होती है, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे बहुत जल्दी में स्कूल कॉलेजेस जाते हुए या इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स भी करते हैं कि भूल जाते हैं ब्रेकफास्ट करना, और ब्रेकफास्ट इज़ लाइक अ किक मील और डू ब्रेकफास्ट लाइक किंग, तो उसमें प्रोटीन्स का अच्छा ठीक है, आपके पास 5 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स हैं, आप जैसे ही उठते हैं आप एक ग्लास पानी कंज्यूम करें, अपना 1 या 2 बॉयल एग्स आप उसको बॉयल करने के लिए आप रख दीजिए, अंडों को देसी अंडे हो तो ज़्यादा अच्छा है, एक ग्लास दूध ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप 5 to 10 या 15 मिनट्स में भी कंज्यूम कर सकें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, तो ये एक रूटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, दूसरे पूरे दिन के दूसरे हिस्से में यानी 12 से दोपहर 2 बजे के करीब किसी न किसी फल या सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। कमर्शियल फूड्स और स्पेसिफिकली वो कमर्शियल फूड्स जो कि ऑल ओवर कभी कभी हेल्दी तरीके से भी आपको दिखाए जाते हैं और आपके मेंटली इन्फ्लुएंस्ड आपको उसमें लगता है कि ठीक है नगेट्स हैं और चीज़ें और सब कुछ है, और बच्चे उसी की तरफ जा रहे होते हैं, प्रेफर करें कि घर पे वेजिटेबल्स, नगेट्स और मतलब फ्रूट सैलेड या इसके अलावा वेजिटेबल सैलेड्स बच्चों के लंच बॉक्सेस में ऐड किए जाएं, ताकि उनकी फिजिकल, कॉग्निटिव और डिफरेंट डेवलपमेंट्स में भी हेल्प हो सके। ठीक हो गया। अच्छा जनाब जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं, हम लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप अपने बच्चों की डाइट के हवाले से कुछ भी पूछना चाहती हैं तो जवेरिया आपको जवाब देंगे।
अच्छा जी मेरा समटाइम्स बच्चों का जंक फूड का इस्तेमाल के मोस्ट ऑफ द टाइम जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से भी बच्चों में ओबिसिटी या बहुत सारी चीजें आती हैं या फिर कुछ आपको टीवी पर कमर्शियल जितने कलरफुल और इस तरह से दिखाए जाते हैं कि माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे को लेके जाना है क्योंकि वो जिद करता है। देखिए जितनी भी वो चीज़ें जो कि पैकेज्ड हैं प्रोसेस्ड हैं या फिर वो डब्बे में बंद हैं ऑन द अदर साइड अगर आप जर्नी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बाहर निकलें आपके पास फूड अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं फिर आप एक्सेसिबिलिटी नहीं तो आप कंज्यूम करें पर ऑन द अदर साइड नॉर्मल रूटीन में क्योंकि उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है यानी नमक बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा जो नमक आपकी डाइट में आना वो आपको साइलेंट ब्लड प्रेशर इस्कीमिक हार्ट डिजीज उसके अलावा जो मतलब जितने भी आप सोडियम इनरिच फूड्स लेंगे या मतलब अक्सर आपने देखा होगा देयर द चिप्स टू एंड देयर द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स टू किसी में बहुत तेज़ चीनी जा रही है या किसी में बहुत तेज़ नमक जा रहा है दोनों ही चीज़ें इंसान की सेहत के लिए नहीं ठीक। स्पेसिफिकली बच्चों के लिए तो इट्स लाइक दैट कि एक तो आपने प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा बार बार एक ही तेल में बना हुआ खाना जिसको हम रेंसेड ऑयल में बना हुआ मतलब गोश्त जो होता है एक आप वो कंज्यूम करें दूसरा आपको उसके साथ चाहिए कि आप सिंपल वाटर की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ टेकिंग कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्योंकि जब भी आप कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेते हैं तो वहीं पे आपकी आर्टरीज ब्लॉक और श्रिंक अप करती है। मेडिकल साइंसेज हमेशा से इस बात की तस्दीक करती हैं कि जितनी भी हार्ट डिजीज हैं चाइल्ड ओबेसिटी है ओबेसिटी प्लस डायबिटीज़ यानी डायबेसिटी या मतलब पहले डायबिटीज इज़ अ रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर इज़ अ रिस्क फैक्टर उसके बाद आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीज होती है और बच्चों में भी आजकल आपको पता है मिला ये आजकल देखा जा रहा है और इसकी बेसिक वजह ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपरली फ्राइड फूड का ना इस्तेमाल करना इम्प्रॉपर फूड इनटेक फिजिकल इनएक्टिविटी यानी फिजिकल एक्टिव ना होना उसके साथ ही साथ उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना जो कि आपकी सेहत के लिए नहीं है और आपकी सेहत के लिए बहुत हद तक आपको खुद भी पता है। इवन अर्मिला कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि पेरेंट्स को पता होता है कि ये बच्चों के लिए सेहत के लिए नहीं अच्छा पर वो मजबूर होते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा इसने वहाँ देखा था और इसको ये हमने बिल्कुल सर्व करना है उनके लंच बॉक्सेस में भी हैं तो उनके इवनिंग स्नैक्स में भी और कुछ बच्चे ज़िद भी करते हैं तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ें कुछ मेन चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है कि फलों सब्जियों में जो गज़ाइत है वो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और पाकिस्तान आप देखेंगे जब एक्सपोर्ट होता है यहाँ से चीज़ें वो डबल दामों में फरोख्त की जाती हैं और हमें अल्लाह ताला ने इतने फल और सब्जियाँ दी हैं कि अगर हम उसको ईजिली और आसानी से कंज्यूम भी कर सकते हैं उसको अवेलेबल भी है हमें तो हम उससे गजाई पहलू के अतबार से भी हम बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ड्रिंक्स दूध जो आप फ्रीजी ड्रिंक्स की बात करते हैं जूसेस की बात करते हैं आर्टिफिशियल बेवरेजेस की बात करते हैं उसके मुकाबले में दूध पे लाना बच्चे को बड़ा मुश्किल हो जाता है जी और इसी वजह से आप देखें कि डिफरेंट इंटॉलरेंसेस यानी कि डिफरेंट कमी रह जाती है स्टंटेड ग्रोथ का प्रॉब्लम भी इसीलिए क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मतलब बच्चे बचपन में कुछ दूध नहीं पीते कुछ अंडा नहीं खा रहे होते कुछ मटर नहीं इवन खा रहे होते निकाल देते हैं बीच में से गाजरें निकाल देते हैं अच्छा वो बड़े होके डेफिशिएंट रह जाते हैं बड़ों के भी मैं भी ऐसे ही होगी नहीं नहीं यू आर फाइन देखिए डेफिशिएंसी ऐसी होती है कि वो फिर और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पाकिस्तान में फूड इंटॉलरेंस टेस्ट हर दूसरा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल आप कहो कि किसी को आप इवन किसी को भी आप कह रहे हैं कि ये इतने हज़ार का टेस्ट है आप करवा लीजिए बात यह कि हर हमारी सोशो इकोनॉमिक लेवल बहुत से लोगों की अलाउ नहीं करती कि वो उस तरह से टेस्ट करवा सकें ठीक है चंद लोग करवा भी लेते हैं पर ऑलरेडी उनके न्यूट्रिशनल गोल्स अचीव कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी तरह जो लोग एक हाई सोशो इकोनॉमिक लेवल से ताल्लुक रखते हैं वो ओबेसिटी में क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटापे में चले जाते हैं और जिन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उनकी मीट अप नहीं कर रही होती वो बिल्कुल बिलो द वेट होते हैं अंडर वेट होते हैं यानी अंडर वेट होना या फिर ओवर वेट होना है दोनों चीज़ें मेल न्यूट्रिशन में मतलब रहना अपने बैलेंस में है क्योंकि बैलेंस में आपकी बॉडी आप मतलब फुल मीट ऑर्गन्स उसके अलावा आपके डिफरेंट जो पीएच लेवल हो गया आपका एलएफटीज हो गए ब्लड सीबीसी हो गया ब्लड टेस्ट हो गया ये तमाम चीज़ें आपके एक लेवल में हैं आपके ब्लड में कुछ क्लियर है डिटॉक्सिफाई है तो इस इन तमाम चीज़ों की जो 97% बेस जाती है वो हमारी खुराक गज़ा गज़ाइयत से जाती है मतलब आपने अच्छा खाया तो यू आर फाइन अगर आपने कुछ ना कुछ बेरब्तगी की है तो यू हैव टू इन सो मेनी डिफरेंट डिजीजेस ठीक हो गया। आयशा हमारे साथ कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी मेरा क्वेश्चन जवेलिया से ये है कि बच्चे आजकल फास्ट फूड जैसे बर्गर और पिज्जा वगैरह बहुत पसंद करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज घर में उनको बना के दें जो रिप्लेस हो सके इस चीज से और वो आराम से खा भी हैं। ठीक हो गया थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आयशा जी। पिज्जा बर्गर की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है जवेलिया? बेसिकली आप उनको घर पे मल्टीग्रेन सैंडविचेस की तरफ उनको ला सकते हैं क्योंकि आप देखिए जो व्हाइट ब्रेड्स है ना व्हाइट ब्रेड्स हो गए व्हाइट राइस हो गए या उसके अलावा व्हाइट जितने हमारे पास व्हाइट्स आते हैं
वाइट्स इज द सेकंड लीड पॉइजन नाउडेज. पॉइजन इट्स कॉल्ड के टॉक्सिक है. आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी आपको मौत की तरफ इजीली लेके जाते हैं कि आप जितना भी मैदा मतलब इवन या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो उसके एज सच क्योंकि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बॉडी में बढ़ाया गया यानी आपकी जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स को तो रेज अप करता है. पर ऑन द अदर साइड बच्चों के लिए मतलब बड़े तो मुझे पता है आई नो कि मैनी पीपल आर गो थ्रू विद द मल्टीग्रेन ब्रेड्स रॉ मिलेट बाजरा जवार मतलब कनक या फिर उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो है चोकर उसकी ब्रांड बिस्किट्स हैं चीज़ें. पर बच्चों को भी चाहिए कि आप उनको हेल्दी सैंडविचेस की तरफ लेके आएं. उनको आप बीफ ब्रांड ब्रेड सैंडविच बना के दे सकती हैं. उनको खुद सीजनिंग ऐड ब्लैक पेपर सॉल्ट लेमन के अलावा घर पे बनी हुई जो मेयोनीज होती है मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें और बीच में आप मोज़रेला चीज़ घर पे जो होती है वो ऐड कर सकते हैं. क्योंकि नंबर वन ईटिंग आउट जो कंसेप्ट है उसमें 99% और आजकल का तो मौसम भी बरसात का इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. और आप देखें कि इतना आपने खाने पे स्पेंड नहीं किया होता जितना आपके ऊपर दवाइयों की और चीज़ों पे क्योंकि आपको आपकी तबीयत ख़राब होती है नौजिया और डिसेंट्री और डिफरेंट जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो तमाम हमारी फूड प्लेट्स और खानों में आती हैं. और वो कंटेमिनेशन आप अरमिला देखें कहाँ होती है वो आपके नेल्स में होती है आपके हेयर उसके अलावा आपको मतलब हाइजेनिक प्रॉपर्टीज़ और फूड सेफ्टी का इसमें बहुत हद तक अमल रहेगा. ठीक हो गया. हमारे साथ कॉलर है सोबिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी सोबिया. क्या कहना है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे. मेरा सवाल जवेरिया मोमू से है कि मेरी बेटी 8 साल की हो गई है. बचपन से लेके 4 साल तक सिर्फ दूध उसने पी है. किसी किस्म का फल देते थे वोमिट कर देती थी, कोई और सीरियल देती थी वोमिट कर देती थी. 5 साल के बाद उसने ये फ्रूट लोब्स सीरियल जो नहीं होते राइस क्रिस्पी चॉकलेट स्प्रेड ये थोड़े थोड़े खाने शुरू कर दिए. फिर नगर्स थोड़ा एक लेके 2-3 बाइट शुरू कर दी. 8 साल में उसने आज तक किसी किस्म का फल नहीं चखा, सिर्फ ये सीरियल खाती है. वो मैंने अब उसके छड़वा दिए हैं. अब थोड़ा थोड़ा पराठा उसने शुरू कर दिया है. मुझे बताएं कि मैं उसको किस तरह खुराक की तरफ लाऊं. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सोबिया. अभी आपको जवाब ले लेते हैं. बेसिकली जब भी ऐसे बच्चे जो इस कंडीशन में होते हैं इनका स्टमक अपसेट होता है या इनका लिवर फंक्शन टेस्ट प्रॉपर नहीं होता और लिवर एंजाइम्स को बेहतर करने के लिए हम वो फूड देखते हैं जो कि आपको भूख लगाने वाले इवन फूड्स होते हैं. इसमें नंबर वन पे तो सेब और गाजर का मतलब सेब का मुरब्बा आप इजीली घर पे भी बना सकती हैं, आप ले भी सकती हैं. चखा ही नहीं है जब. हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा वो कह रही हैं कि इसने पहले 4 ईयर्स मिल्क पे रही है और उसके बाद ये तो आप ये इनको बिल्कुल माइन्यूट 1 टीस्पून से स्टार्ट करें. गाजर या फिर सेब का मुरब्बा 1 टीस्पून मलाई के साथ उसको भूख लगाएगा यानी उसका जो स्टमिक हॉर्मोन्स है या उसको जो एंजाइम्स हैं लिवर एंजाइम्स हैं. क्योंकि ऐसे बच्चे अक्सर बेसिकली बचपन से फूड इंटॉलरेंस में यानी फूड इंटॉलरेंस में बताती जाऊँ किसी न किसी गजाई किल्लत में होते हैं जिसकी वजह से उनको कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती. उसके लिए मतलब ठीक है बच्ची छोटी उसको दही में थोड़ा सा छिलका मिला के भी दे सकते हैं, वो भी भूख अच्छा लगा देता है. मुरब्बे हो गए सेब का गाजर का मुरब्बा मलाई के साथ, इट्स अ गुड थिंग कि भूख बड़ी जल्दी उससे बड़ी ज़्यादा भी लगती है और वो बच्ची हर चीज़ कंज्यूम करेगी. दूसरा थोड़ा सा मतलब थोड़ी थोड़ी तो मतलब लिटिल बिट क्वांटिटी में हलवे ज़रूर दें. हल्वे? मतलब जैसे वॉलनट का हो गया, डेट हलवा हो गया. अच्छा वो चीज़ उसकी कोई ना कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी जिस टाइम करेगी बच्ची उसी टाइम हर चीज़ खाना शुरू करेगी. और फिर माइन्यूट अमाउंट में हर चीज़ उसको दें और ये चेक ज़रूर करें कि किस चीज़ से फूड एलर्जी है. क्योंकि जब बच्चे को आपको खुद अपने बच्चे का पता होता है कि इसको मिल्क या फिर इसको सोया या फिर किस हानी से कुछ लोगों को शायद से एलर्जी होती है, मतलब इट्स टॉक्सिक, वो आपको आपकी जान भी ले सकता है. बिल्कुल ऐसा ही. सीरियल्स का इस्तेमाल जैसे भी कहा वो कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? सीरियल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जितना कार्बोहाइड्रेट काउंट है, क्योंकि अक्सर औकात हाई फाइबर फूड्स में भी सीरियल्स आते हैं और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट काउंट में भी सीरियल्स आते हैं. और बच्चों के लिए आप देखें जहाँ पे उनके लिए मतलब अक्सर औकात आपको पता है बिल्कुल तकरीबन मेरे ख्याल से 15 से 20 साल तक बच्चों को सीरियल्स दिए नहीं जाते. और कुछ ऐसे घर होते हैं जो तकरीबन 20 ईयर्स तक देते ही सीरियल्स हैं ब्रेकफास्ट में. पर क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सीरियल्स की इतनी हैबिट डेवलप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जो खुद कुलचे चनों के आदि होते हैं वो बच्चों को भी बिल्कुल वही खिलाने लग जाते हैं. वो उनको भी वही खिला रहे होते हैं. हाँ. वो भी उनको नान चनों पे लगा देते हैं बच्चों को भी, तो उनको भी यही पता होता है कि बड़े भी यही खा रहे हैं तो हमने भी यही खाना है. और इवन आप ये देखें कि बच्चे इतने साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं कि वो आपको जो आपकी जिंदगी में करते देख रहे होते हैं वो उसके बाद भी वही करते हैं. चाहे आप उसके बाद स्मोक कर रहे हैं, आप कुलचा मतलब वो भी मैं भी खाती हूँ संडे वाले दिन. नहीं, मतलब वो ये तो हमारे घरों में वीक
रुझान तो ये मतलब लाहौर में तो बहुत ज्यादा इस चीज का है। हालांकि आप ये देखें कि एक तरह से जो चने होते हैं उसमें बहुत ज्यादा सोडा का इस्तेमाल बेतहाशा किया जाता है, जो कि आपकी अंदरियां इवन वो जो आपकी उसको हार्म कर सकता है, आपके स्टमक को हार्म करता है, क्योंकि सोडा जो है वो आपका पीएच लेवल एक हद तक अगर लें तो मॉडरेट करता है, अगर उससे आप ज्यादा लें तो आपकी इंद्रियों के लिए, आपके स्टमक के लिए, आप यानी कि देर पा आपको फूड देर से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, उसके बाद आपको जो है आपको लगेगा कि बफरिंग होने लग जाएगी बॉडी में, मीन टू से आपको लगेगा कि कभी आपको लगेगा पेट में दर्द है, कभी आपको लगेगा कि आपको मतलब यू हैव वॉमिटिंग और समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारी जो अपनी खुराक है उसमें आप जहाँ से चीज़ का हसूल मतलब ले रहे हैं, जहाँ से खरीद रहे हैं, उस जगह का भी पता हो कि आइदर की ठीक है कि नहीं ठीक है, वरना प्रेफर करें घर पे बनाएं, और स्पेसिफिकली इस मौसम में चाहे वो समोसे हो, पकौड़े हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे बाहर की कोई भी चीज़ है, तो वो कोशिश करें कि घर की बनी हुई कोई फ्रूट्स चाहे हो जाए, चाहे अपने मेहमानों को सर्व करने हैं या अपने लिए कंज्यूम करने हैं या फिर बच्चों को देने हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। हमारे घरों में फ्रूट्स खाने का रुझान भी अक्सर घरों में कम होता है, और फ्रूट्स बच्चे भी नहीं खाते हैं, जैसे अभी वो हमारी कॉलर सोबिया बता रही थी, इस तरह कई बच्चे हैं जो फ्रूट्स इतने शौक से नहीं खाते। आप ये देखें कुछ फ्रूट्स को तो एज अ शेक या फिर स्मूदी या मतलब दही या दूध ऐड करके बच्चों को दिए जा सकते हैं, बल्कि ना सिर्फ फ्रूट्स आप ऐड करें, वेजिटेबल्स के भी शेक्स होते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि देखिए देर इज़ अ सम मेथड्स के रेड येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स हम लोग के पास मौजूद हैं, उसके बाद आपने थोड़ा सा उसमें कलर फ्लेवर थोड़ा सा उसमें उसको अच्छा सा टेक्सचर देना कि बच्चे को अपील करे और वो ज़रूर कंज्यूम करे। तो यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जैसे बीटरूट शेक भी बना सकते हैं, चुकंदर का बना सकते हैं, उसके अलावा एप्पल और स्पिनच शेक भी आप बना सकते हैं, उसमें आप ब्राउन शुगर ऐड कर दें, हनी ऐड कर लें, तो ये चीज़ें कर सकते हैं कि बच्चे को जब भी आप थोड़ी सी मेहनत से ज़बरदस्त चीज़ बना के देंगे तो मुझे लगता है उसको वो उसका एडिक्टिव भी हो सकता है, उसको पसंद भी आ सकती है। ठीक, मिसेस नवीद है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, आप बच्चों की गजाइत के मुताबिक जो आपने रखा है, और मुझे ज़वेरिया से क्वेश्चन करना कि मेरा जो बेटा है उसको किडनी का प्रॉब्लम है, तो मतलब कि एक साल का तो उसका वेट गेन नहीं होता, जैसे गेन होता है वैसे उसको वॉमिट और लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जल्दी बीमार हो जाता है वो, तो मुझे पूछना है कि मतलब कि इसकी न्यूट्रिशन में क्या ऐड करूं कि इसका वेट जल्दी गेन हो जाए। अच्छा मिसेस नबील, आपके बच्चे की एज क्या है? एक साल का है ये, मेरा बेटा है। ठीक हो जी, कैल्शियम ऑक्सलेट है। अच्छा कैल्शियम ऑक्सलेट, अच्छा किडनी में असल में मतलब किडनी का जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें आगे से उसकी 4 वेरिएशंस होती हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, और ये हमेशा तब होते हैं, और इसमें देखिए जब भी आपको जो किडनी फंक्शंस हैं या किडनी या फिर लिवर फंक्शंस हैं, इसकी स्पेसिफिक डाइट है, इसमें नंबर 1 प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, प्रोटीन्स ना आपने इसको लिक्विड फॉर्म में लेने हैं या ना मीट ना प्लांट फॉर्म में, प्लांट यानी कि दालें सब्जियां भी नहीं, मीट फॉर्म भी बिल्कुल बंद, क्योंकि इसमें आपका जो पोटाशियम मैग्नीशियम सोडियम इनटेक है वो बहुत हद तक काउंट करता है, नंबर 1। दूसरा ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब लिक्विड डाइट पर रखें, लिक्विड डाइट बेस्ड विद द मतलब बच्चा, क्योंकि बिल्कुल एक साल बिल्कुल छोटा बेबी है, आई डोंट नो कि इज़ अ गर्ल और अ बॉय, he's a boy. अच्छा ओके इज़ अ बॉय, तो वो थिंग्स आर लाइक दिस कि उसको बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में ये मतलब अगर थोड़ा सा 1 टीस्पून केला ले लें जो बनाना होता है, इट्स टू गुड, पर दूध चावल और उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इसको बच्चे को तकरीबन 8 से 10 साल तक इनको बंद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि उससे अगर वो लेता रहेगा, हरी सब्जियों का इस्तेमाल हो गया या फिर मिल्क, बहुत ज़्यादा मिल्क मतलब एक माइन्यूट अमाउंट में बिल्कुल दें, और उससे ज़्यादा देंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट के बनने के चांसेस होते हैं। दूसरा किडनी इज़ लाइक अ फिल्ट्रेशन प्लांट, आपने जो भी खाना है आपकी किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट होना है, तो इनको चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को IBS का पेट में दर्द होती होगी, रोता होगा, और वो कह रही हैं कि मुझे इसका वेट गेन होता है तो फिर वो वॉमिट शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उसको डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉब्लम होगी और उसके बाद पेट में भी दर्द होती होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल बेबी, तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेशंस उसको और भी मे बी इससे भी ज़्यादा हों जितना वो बता रही हैं, तो उसके लिए बेसिकली ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स माइन्यूट अमाउंट में दिए जाएँ, क्योंकि अभी एक साल का है तो इंट्रोड्यूस टू द सॉलिड फूड्स आफ्टर 6 मंथ्स करवा दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा सॉलिड फूड पे लेके आ सकती हैं, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा हलवा हो गया या कोई ऐसी चीज़ें जो उसको वेट के लिए हेल्प आउट करें उसको ज़रूर दे सकती हैं। कुछ लोगों को पॉलन होती है, डस्ट होती है, उसके अलावा कुछ लोगों को बहुत ठंड में या बहुत गर्मी में भी छींकें स्टार्ट हो जाती हैं,
इसके लिए नंबर वन ये है कि आप जो है कवर योर नोज एंड योर हेड प्रॉपरली, क्योंकि आपको जब भी आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं एलर्जीज के लिए, नंबर वन पे ये है कि आपने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, या क्योंकि इनको इनको बिल्कुल सीजनल कोई भी बीमारी आ रही है या जारी कोई मौसम आ रहा है तो ये फटाफट उसमें आते हैं और इनको फिर छींकें स्टार्ट हो जाती हैं जो उसका साइन एंड सिम्टम है. तो उसमें हनी, ब्लैक पेपर, गार्लिक, और सिंपल अगर गार्लिक सुबह, मतलब इनकी ये बीमारी ख़त्म भी हो सकती है, एक गार्लिक जो लहसुन का मतलब पीस होता है छोटा बिल्कुल दरमियाने साइज़ का ले लें, उसको पील अप करें, एक ग्लास पानी लें, मुँह में रखें और उसको निगल लें. आइदर कि इट हैज़ एसिडिक वैल्यूज़ कि आप मुँह में रखेंगे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करता है, पर वो आपकी बॉडी में मतलब कोलेस्ट्रॉल के भी लिए अच्छा है, आपको इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, और उसके साथ ही साथ जो छींके बार बार जिन लोगों को एकदम अटैक्स होते हैं इसके मतलब इस एलर्जन अटैक्स होते हैं तो उनके लिए भी बेहतर. ठीक हो गया. जी मेरी आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो आपके बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर हैं, और उन्हीं की बेस पर हमें उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है. और मोस्ट प्रोबेबली जितने कमर्शियल फूड्स हैं, आइदर उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या उसके अलावा भी फूड्स हैं, उस इन्फ्लुएंशन से निकल के हम लोगों को चाहिए कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, या उसके अलावा जो देसी हमारी कुकरी है, चाहे उसमें देसी मुर्गी है या देसी गोश्त है या देसी अंडे हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें और हेल्दी रह सकें. ठीक है, थैंक यू वेरी मच जुवेरिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का भी. और बच्चों की डाइट के हवाले से जनाब, बच्चों को किस तरह की न्यूट्रिशन उनकी होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट क्या है, ये हमने आज आपको प्रॉपरली गाइड करने की कोशिश की है. बच्चों की सेहत डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, और आजकल जो दौर चल रहा है या जिसमें जो खाने पीने के हमारे पैटर्न है उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी जन्म ले रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव होगा. फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, लाहौर न्यूज़ का भी पेज है, आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं. और इनके साथ का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.